हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब बेटर ओके सो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पायल पे गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप ट्वेंटी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो क्वेश्चन हैं वो पी वाई के ऊपर बेस्ड है सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सेल्स डिपार्टमेंट ने एक्यूज़ किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि उन्होंने सेल को कम किया एज अ रिजल्ट डिलीवरी लेट हुई अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक्सक्यूज किया परचेज डिपार्टमेंट पे किस बात के लिए कि आपने रॉ मटेरियल की डिलीवरी टाइम पे नहीं कराई अब परचेज डिपार्टमेंट ने एक्सक्यूज किया कि फंड्स जो थे वो टाइम पे अवेलेबल नहीं थे अब यहाँ पे मैनेजमेंट की कौन सी सिचुएशन मिसिंग है सो द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल मनी इज यूज टू कॉल मनी किसके लिए यूज़ की जाती है कॉल मनी बच्चों हमेशा यूज की जाती है कैश बैलेंस को मेनटेन करने के लिए सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट पार्ट अ फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट डैश इज द जर्नल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन जब भी आपको पर्टिकुलर वर्ड मिले ना डैट मीन्स आपको जस्ट ब्लाइंड आइज के साथ ही पॉलिसी को टिक करना है द राइट ऑप्शन इज पॉलिसी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला और मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर प्रिंसिपल एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग जब भी आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो ना उसका मतलब है आपने किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो ये मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन नेक्स्ट इज द फॉलोइंग पिक्ट्रल प्रेजेंटेशन हाईलाइट वायलेशन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल अब ये कौन से प्रिंसिपल को हाईलाइट कर रहा है ये हाईलाइट कर रहा है इनिशिएटिव को अब वो क्या कह रहा है हाउ यू डि कि तुमने ये काम खुद से कैसे किया इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट इनिशिएटिव नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट डैश फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है क्रिएट भी करती है और एक्सचेंज भी करती है फाइनेंशियल एसेट्स को द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजन लिमिटेड डिसाइडेड टू चेंज देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड शिफ्ट टू फंक्शनल स्ट्रक्चर जो राजन है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है और कहाँ शिफ्ट हो रहा है फंक्शनल पे सो इट डे डिसडेड टू हायर फोर डिफरेंट हेड फॉर सेल्स अकाउंट्स परचेज प्रोडक्शन it published advertisement and shortlist 20 candidates for each position after conducting various selection tests now identify the next step the next step will be employment interview so the next question is which of the following statement is incorrect it may say statement incorrect so first the low dscr indicate better ability to meet cash commitment एंड कंसिक्वेंटली द कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज डैप्ट कॉम्पोनेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या आपकी डी एस सी आर अगर लो है तो आप ज़्यादा कैश को कमिट कर सकते हो फॉल्स ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीटली गलत है नेक्स्ट यूज ऑफ हायर डैप्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी येस ट्रू लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिज अ फर्म्स कैपेसिटी टू इन एम्प्लॉय हायर डैप्टेस सो विच वन इज़ इनकरेक्ट फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट सो ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू नेक्स्ट अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टोटली डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना क्या हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कर सकते हैं नो ए इज फॉल्स अब देखो अगर ए आपका फॉल्स है इट मीन्स डायरेक्टली आर ट्रू होगा आर को आपको रीड करने के लिए टाइम वेस्ट भी नहीं करना जस्ट ए इज फॉल्स इट मीन्स आर विल बी द ट्रू आंसर नेक्स्ट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मनी मार्केट इज मनी मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या रहती है जो मनी मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इज लेस नेक्स्ट स्मारा लिमिटेड हैज इक्विटी रेशो ऑफ थ्री रेशो वन वेर एस गहलोत हैज इक्विटी रेशो ऑफ वन रेशो वन अब यहाँ पे जो स्मारा लिमिटेड है अब जिस फॉर्म का डेप्ट ज्यादा होगा हमने एक सिचुएशन इसमें पड़ी हुई है दैट इज कि अगर आरओआई वो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है आरओआई से आरओआई अगर आपका ग्रेटर होता है आरओआई अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तब आपकी कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले सकती है आर यू गेटिंग दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज रिप्लेस द एक्ट 1986 एंड सीक्स टू वाइडन इट्स इन एड्रेसिंग कंज्यूमर्स कंज़म, ये इट इज ट्रू बिकॉज जो कंज्यूमर एक्ट है उसने रिप्लेस किया था 1986 वाले को 19 वाला आया अब द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन कॉल ये ये बात भी बिल्कुल ठीक है तो बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू नेक्स्ट आर ओ एक्स लिमिटेड वॉन्ट टू इनक्रीज दार्केट शेयर बाई फोर पॉइंट फाइव परसेंट इन नेक्स्ट व लॉट ऑफ मनी टू हायर स्पेशलाइज पीपल फॉर फार्मिंग देअर प्लान कलेक्टिंग इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एनवायरमेंट हु लुक लॉट ऑफ टाइम टू फ्रेम प्लान फॉर कंपनी द कॉम्पिटिशन हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ इट इज नॉट एबल टू बीट इट्स कॉम्पिटिटर बिकॉज वो ऑलरेडी ही ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर चुके हैं प्लान फेल कंपनी को ह्यूज लॉज हुआ तो प्लानिंग ही यहाँ पे कौन सी लिमिटेशन को कंसीडर किया गया है एक चीज़ और ध्यान रखना लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग से आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट एक एम देखने को मिलेगा सो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है ह्यूज कॉस्ट है और डायनेमिक एनवायरमेंट में काम नहीं करती है यहाँ पर प्लानिंग की सारी ही लिमिटेशन कंसिडर की गई हैं नेक्स्ट वट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है फर्स्ट फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट यस इंक्लूड किया जाता है इंश्योर करता है ये फंड अवेलेबल हो येस टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ यस इट मीनस ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केटिंग इंटरमीडिएटी लाइक होल सेल रिटेलर टू बी यूज ओनली जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या इंक्लूड होगा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केटिंग इंटरमीडिएटी है ये होल सेलर हो गए रिटेलर हो गए टू बी यूज ओनली नेक्स्ट कह रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स द डिसीजन एरिया रिलेटेड टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट वेयर इट इज़ प्रोड्यूस टू अ प्लेस एंड वेयर इट इज रिक्वाड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन तो इन्होंने बिल्कुल सही दिया है अब जो स्टेटमेंट वन है ना वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये क्या कह रहा है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग इंटरमीडियरी इंक्लूड होते हैं ये ओनली वर्ड इसका गलत है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं होते और पार्टीज भी इसमें होती हैं सो वट वी से the statement two is correct and one is incorrect next a sanitizer manufacturing company wants to become a market leader for this purpose the manager follow an activity with certain logical step the first step suggested by him is to increase 30% at least profit in the next quarter so what will be the last step of the activity the last step will be the follow up action next नाउ इसमें ये बहुत इजी क्या गिवन है हमे? staffing, हमें ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमें जस्ट इसको मैचअप करना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफिंग में क्या होगा स्टाफिंग मींस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द परसोनल राइट डायरेक्टिंग में लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेटिंग सो ए सेकेंड ए सेकेंड देखो पे है डेट इज ऑप्शन नंबर ए बी का फर्स्ट ए का सेकेंड नहीं ये आपका इनकरेक्ट है योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ए का थर्ड बी का सेकेंड एंड सी का फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डेवल डिटरमाइन द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है डेट इज डैप्ट विथ वट टाइप ऑफ नेचर कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का नेचर कैसा है कंट्रोलिंग पॉजिटिव भी है और कंट्रोलिंग नेगेटिव अप्रोच भी है थैंक यू गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू थैंक यू सो मच